रांची के बाद अब दिल्ली की बारी। दोस्तों, टीम इंडिया तीसरे वनडे के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा ओडीआई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला मस्ट विन होगा। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी सीरीज उसी के नाम होगी। इंडिया की तरफ से सुरेश अय्यर और ईशान किशन ने दूसरे ओडीआई में शतक की साझेदारी की थी। अगर इंडिया को सीरीज जीतनी है तो सुरेश अय्यर और ईशान किशन को एक बार फिर से लंबी पार्टनरशिप करनी होगी। सुरेश ने ओडीआई में अपना शतक जरूर पूरा किया, लेकिन ईशान किशन शतक से 7 रन पहले ही आउट हो गए थे। ईशान खुद को शतक के इतना करीब देखकर आउट होने पर भावुक हो गए और आंखों में आंसू लिए मैदान से बाहर आए। यह देखकर फैंस ने ईशान का हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं चैंपियन, भले ही आप शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आपने अपनी बैटिंग से सभी का दिल जीत लिया। इंडिया के लिए तीसरा ओडीआई करो या मरो का मुकाबला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा सीरीज, इंडिया या साउथ अफ्रीका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।